हेलो स्टूडेंट, दिस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से। अगले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक, और इसमें एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करके और इसका एक्सरसाइज 5.6 का एग्जांपल भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण और क्वेश्चन नंबर 8, और A8 क्या है ना, पारा मेट्रिक फॉर्म। हम लोग फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े, पैरामेट्रिक फॉर्म। एक्सरसाइज 5.6 में पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या, अगर दो वेरिएबल थर्ड वेरिएबल पर डिपेंड करे क्या कहलाएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे एक्स डिपेंड करा है किस पे, टी वेरिएबल पे, वाई भी डिपेंड करा है टी वेरिएबल पे, तो एक्स और वाई किस पे डिपेंड करा है, टी वेरिएबल पे, तो कैसा है, पैरामेट्रिक फॉर्म है। अरे हो गया, अब पैरामेट्रिक फॉर्म को बनाने का कल हम लोग रूल समझ चुके हैं। अगले लेक्चर में तो देखो इसका डिफरेंशिएट करते, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी। फंक्शन टी में है तो किसके रिस्पेक्ट करेंगे, टी के रिस्पेक्ट। एक्स का डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, एक कांस्टेंट है रह जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन टी, ध्यान देंगे प्लस। अब लॉग का करेंगे, लॉग के लिए किसका काम करता है, एक्स का, तो लॉग का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1/10 टी बाई टू इंटू इंटू लॉग का हो गया। अब टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू, अब टी का 1/2, क्यों, क्योंकि ए ना लॉग टेन टी बाई टू, ए चैन रूल में है, तो पहले लॉग का फिर टेन का फिर टी बाई टू का, ए कर दिए, फिर से ए कांस्टेंट आ गया, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन प्लस प्लस, पहले लॉग का करें क्योंकि लॉग में क्या आया हुआ है, कॉस टेन, लॉग में क्या है कॉस टेन, तो पहले लॉग का कर दिए 1/10, फिर टेन का सेक स्क्वायर टी बाई टू का, तो टी का 1/2। अब इसको अच्छे से सॉल्व करो, ए माइनस में साइन टी प्लस प्लस 1/10 को तोड़ सकते, साइन साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू एस अवश्य ये तोड़ लिए, इनटू इनटू सेक को ना चेंज कर दो कॉस में, तो कॉस स्क्वायर टी बाई टू इंटू टू, टू को पहले लिख दीजिए, तो एक कॉस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो क्या आ जाएगा, ए माइनस में साइन टी प्लस 1/1 1/2 में टू साइन टी बाई टू इंटू में कॉस टी बाई टू, और ए आ गया। अब ए लिख लो, ए माइनस में साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, क्या सूत्र होता है, साइन टी। हम लोग फॉर्मूला सभी जानते, साइन ए का फॉर्मूला क्या, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू का, ये सूत्र होता है, तो ये ना मैच करो तो ये मैच हो गया, इतना लिख सकते हैं, तो हो जाएगा ए। एलसीएम लो, क्या एलसीएम है, साइन टी, तो ए आ जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी प्लस में 1। अब इसी को ना यहाँ पे लिख ले, ए प्लस 1 को पहले लिख लो, अब माइनस साइन स्क्वायर टी, अब बटा में साइन टी, ये हो गया, यहाँ लिख लेते हैं, तो ए क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, ए इंटू 1 - sin² t, क्या लिख सकते, कॉस स्क्वायर टी, अब बटा में साइन टी, ए हो गया। हम लोग को क्या फाइंड हो गया, डी एक्स बाई डी टी, ए फाइन कर लिए डी एक्स बाई डी टी, और ये हो गया। अब चल दो बाई इक्वल टू, बाई इक्वल टू क्या गिवन है, ए साइन टी। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी टी इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट है रह जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट कॉस टी, और ये हम लोग डिफरेंशिएट कह ले किसका, डी एक्स बाई डी टी का और डी वाई बाई डी टी। हम लोग को फाइंड क्या करनी है, तो देखो फाइंड करना है डी बाई बाई डी एक्स, तो लिख लो डी बाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्या ना, डी बाई में डी टी से डिवाइड कर लीजिए और डी एक्स में भी डी टी से, ऐसा क्यों, बैलेंस हो गया, डी टी से डिवाइड किए। अब देखो इसका वेल्यू पुट कर दो, तो डी बाई बाई डी टी का वेल्यू क्या, ए कॉस टी, डी एक्स बाय डी टी का वेल्यू क्या, ए आया, तो लिख दो ए कॉस स्क्वायर टी और बाई में साइन टी, ए ए कैंसिल, ए कॉस कैंसिल, तो
तेईस टैन बचा तो ऊपर आ जाएगा, तो मिल जाएगा साइन थी बाई में कॉस थी, कॉस थी, तो साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, टैन थी, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करते हैं। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया और इसका भी कह रहा है ना हम लोग को फाइंड करने के लिए डी बाई बाई डी एक्स, ये भी फाइंड करना सिंपल है, इसका ना डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, फंक्शन किस में, थीटा में, एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए रह जाएगा। सेक थीटा का डिफरेंशिएट क्या होता है हम लोग को सभी को पता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता, और ये हो गया। अब बाई का डिफरेंशिएट क्या, डी बाई बाई डी थीटा इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है रह गया, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, फाइंड क्या करना है डी बाई बाई डी एक्स, तो डी थीटा से डिवाइड कर लीजिए, डी बाय बाय डी थीटा का वैल्यू क्या, बी सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू ए सेक थीटा इनटू में टेन थीटा, एक सेक कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं बी बाय ए, और इस एक सेक बचा उसको नीचे लाओ तो क्या हो जाएगा ना, वन बाई कॉस थीटा इंटू टेन को तोड़ दो साइन थीटा बाई कॉस थीटा में, एक कॉस भी कैंसिल, ते लिख सकते हैं बी बाई ए, और साइन साइन ऊपर आएगा तो क्या में चेंज आएगा, कॉस एक में कॉस एक थीटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 10, एक है ना, एक ही बन है और कर रहा है इसमें डी बाय बाय एक्स फाइंड कीजिए, तो यह एक्स और बाय किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट, तो एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है रह जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा प्लस, ये देखो तो यू इंटू बी थीटा का वन और साइन को कांस्टेंट में, तो इसका डिफरेंशिएट किए एक कांस्टेंट में प्लस प्लस, अब थीटा को कांस्टेंट में रखो और साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया। अब इसको ना अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो ए ना यहाँ पे हो जाएगा ए ए माइनस साइन वन इंटू साइन प्लस साइन, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या ए थीटा कॉस थीटा, ए फाइंड हो गया डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ना डी बाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है रह जाएगा। अब देखो कॉस का डिफरेंस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस, ये देखो तो इवन टू भी तो थीटा का वन तो कॉस को कॉन्स्टेंट में रखेंगे प्लस, अब की थीटा को कॉन्स्टेंट में कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, और ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ए कॉस थीटा और माइनस में कॉस थीटा, और माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा थीटा साइन थीटा, ये आ जाएगा, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो मिल गया ए थीटा साइन थीटा, और ए फाइंड हो गया। अब देखो तो हम लोग को फाइंड क्या करनी है, डी बाई बाई डी एक्स, तो सभी समझ सकते हैं डी बाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड, अब डी बाई बाई डी थीटा क्या फाइंड हुआ ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या फाइंड हुआ ए थीटा कॉस थीटा, तो ए थीटा कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं टेन थीटा, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11, ए गिवन हो और करा है डी बाय बाय डी एक्स फाइंड करो, तो इसका ना फाइंड करना सिंपल है, तो इसको क्या कर दो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, फंक्शन किस में टी में, तो एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू रूट का, पहले पहले किसका करेंगे रूट का फिर ए का फिर साइन इनवर्स का, तो ए पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ए पर पावर एक्स इनटू में लॉग ए, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है ना वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और रूट का डिफरेंशिएट क्या होता है वन बाई टू एक्स ए, तब पहले हम लोग किसका करेंगे रूट का, तो रूट का डिफरेंशिएट क्या वन बाई टू रूट, रूट का डिफरेंशिएट वन बाई टू रूट ए ए
साइन इनवर्स रूट एक्स, ए हो गया किसका, रूट का, इनटू अब ए का, ए का डिफरेंशिएट क्या होता है, ए पर पावर एक्स, ए पर पावर एक्स इनटू में लॉग ए, ए का हो गया, अब किसका करेंगे, साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का वन बाई अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब ये लिख लो यहाँ पे, ध्यान दो ये यहाँ पे ए पर पावर साइन इनवर्स एक्स है, यहाँ पे बिना रूट में ए रूट में है, ए क्या ना कट जाएगा, तो ए क्या ना रूट वाला टर्म बच जाएगा, ए साइन इन ए पर पावर साइन इनवर्स एक्स, और इन रूट और बिना रूट एक कट जाएगा, रूट वाला बच जाएगा, क्या बच गया लॉग ए, अब बाई में अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब ए डी एक्स बटा डी बाई, अब ना ए रहने दो ऐसे, और अब हम लोग चल दो यहाँ पे बाई, बाई इक्वल टू क्या गिवन है, अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स एक्स टी, सॉरी यहाँ पे टी है, टी है, ए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट कह लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, बाई का डिफरेंस क्या हो जाएगा डी बाई बाई डी टी इक्वल टू, इसमें भी पहले किसका करेंगे रूट का, रूट का क्या हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इनटू, अब ए का, ए का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इनटू इनटू, कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में वन बाई अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, और ए आ गया। अब यहाँ पे देखो ए रूट में और ए बिना रूट में, एक कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, रूट वाला टर्म बचेगा ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, और ए टू टू, एक कट गया यहाँ पे और ए आ गया अंडर रूट वन माइनस में टी स्क्वायर, अब माइनस माइनस और सॉरी यहाँ पे लॉग ए, और ए आ जाएगा लॉग ए, ए पर पावर एक्स का है ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये आ गया। अब ध्यान दो, अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, फाइंड हम लोग को ए प्रूफ करनी है, तो चल दो यहाँ पे डी बाई बाई डी एक्स, तो डी टी से डिवाइड कर लीजिए और इसमें भी डी टी से डिवाइड कर लो। अब डी बाई बाई डी टी, डी बाई बाई डी टी का वैल्यू क्या ना ए रख लो, और यहाँ पे माइनस में अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए, अब बाई में टू रूट वन माइनस में टी स्क्वायर बाई, अब डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू रख, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू ए फाइंड हुआ, तो अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी log a by में 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, अब देखिए तो बटा बटा वाला टर्म कट जाएगा और ये और ये टर्म कट हो गया, तो अब क्या बच गया माइनस में अंडर रूट a पर पावर cos इनवर्स t और अंडर रूट a पर पावर sin इनवर्स t इक्वल टू माइनस, ये देखिए इतना इक्वल टू क्या लिख सकते हैं by by, इतना इक्वल टू क्या लिख सकते x, और ये हो गया ना, हम लोग को यही तो प्रूफ करना था d by by x इक्वल टू माइनस by by x, और ये प्रूफ हुआ, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग समझते एक्सरसाइज 5.6 का एग्जांपल, ये आपका पूरा टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे एक्सरसाइज हम लोग को 5.6 का एग्जांपल नंबर 35 क्या ना, इसी एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 35 है, ये तो लगता है फाइंड कर सकते हैं, एक थीटा पे डिपेंड करा बाय भी थीटा पे, और फाइंड क्या करना डी बाय बाय डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एक्स का डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट है कॉस का डिफरेंशिएट माइनस में साइन थीटा, और बाय का डिफरेंशिएट डी बाय बाय डी थीटा इक्वल टू ए रह जाएगा, sin का डिफरेंशिएट cos थीटा, और a कह ले। अब यहाँ पे क्या ना हम लोग को फाइंड क्या करनी है d by by dx, तो d थीटा से और d थीटा से क्या कह लो डिवाइड कह लो, इसका वैल्यू पुट कर दो a cos थीटा और इसका वैल्यू रख दो माइनस a sin थीटा, a a कैंसिल
माइनस कॉस बाय साइन, क्या लिख सकते, कॉट थीटा, ये हो गया। ये तो क्वेश्चन नंबर खुद से हम लोग बना सकते थे। अब समझते एग्जांपल नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर समझो 35, ए गिवन है और ये कह रहा है एग्जांपल नंबर 35 में डी बाय बाय डेक्स ए बी क्वेश्चन हम लोग सभी फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या ना टी, एक्स का डिफरेंशिएट डी एक्स बाय डी। एक्सरसाइज जब हम लोग बना लेते हैं तब इसका एग्जाम्पल आसान लगेगा। एग्जाम्पल पहले इसलिए एक्सरसाइज के नहीं बताते क्योंकि उसमें कंसेप्ट हम लोग को समझ में अच्छे से नहीं आ पाता। जब एक्सरसाइज हम लोग बना लेते हैं तब कंसेप्ट समझ में आ जाता, फिर एग्जाम्पल बनाएंगे तो आसान होता है, इसीलिए लास्ट में एग्जाम्पल समझाना पड़ता है। और एक्स का ए आ गया, ए रह गया टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट टू टी, इसको लिख सकते हैं टू ए टी। y का डिफरेंशिएट d बाय y dt इक्वल टू 2a कांस्टेंट है t का 1, तो लिख सकते हैं 2a। फाइंड क्या करना हम लोग को d बाय y dx, तो dt से डिवाइड कर लो और dt से डिवाइड कर लो, तो इसका रिजल्ट क्या है ना 2a, इसका रिजल्ट क्या है 2at, 2a 2a कट गया, क्या बच गया 1/3, ये हो गया आंसर। एग्जांपल नंबर क्या 35। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 36, 36 एग्जांपल नंबर, और ए करा ना फाइंड करने, ए भी हम लोग फाइंड कर सकते, सभी एग्जांपल का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते आसानी से। और एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट रह जाएगा थीटा का 1 प्लस साइन का डिफरेंशिएट कॉस थीटा, और पाई का डिफरेंशिएट करो तो डी बाय बाय डी थीटा इक्वल टू ए कांस्टेंट कांस्टेंट 1, 1 का डिफरेंस 0, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस में साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते ए साइन थीटा। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है डी बाय बाय डी एक्स, तो डी थीटा और डी थीटा से डिवाइड कर लो, तो इसका वैल्यू क्या फाइंड हुआ ए साइन थीटा, और इसका वैल्यू क्या फाइंड हुआ ए 1 प्लस में कॉस थीटा, ए कैंसिल। ए क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी बनाए तो साइन थीटा का उस समय फॉर्मूला बताए थे क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 आधा होनी चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा का भी हम लोग पढ़े क्या पढ़े 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक्सरसाइज में फॉर्मूला बताए थे। अभी देखो 2 2 कट गया और एक कॉस कट गया, तो साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं टेन थीटा बाई टू, यही हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 36। देखो एग्जाम्पल नंबर क्या ना 37, एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल 37 करा है और ए फाइंड करना डी बाई वाई डी एक्स, तो इसको ना डायरेक्ट कह लो डिफरेंशिएशन, तो इसको करना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, और एक्स एक्स के रिस्पेक्ट एक्स एक्स बाय दोनों एक ही फंक्शन है, तो इसका ना डिफरेंशिएट हम लोग सभी जानते हैं एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएट क्या होता है पावर मल्टीप्लिकेशन में पावर में कम, और एन आपका एनी रियल नंबर हो सकता है, तो ये क्या ना यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट कर जाएगा पावर मल्टीप्लीकेशन में पावर में एक कम करेंगे, तो एक कम करेंगे तो क्या ना 2/3 माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1/3 प्लस, इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लिकेशन में और पावर में एक कम, तो बाई पर पावर माइनस 1/3 एक तक, तो फिर बाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट 0 0। अब ये क्या कर दो ना यहाँ पे 2/3 बाई पर पावर माइनस 1/3 डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू इस टर्म को उधर ले जाओ तो माइनस में 2/3 एक्स के पावर माइनस 1/3 कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट कैंसिल, इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स के पावर माइनस में एक्स के पावर माइनस 1/3 और ए हो जाएगा बाई पर पावर माइनस 1/3, क्या इसको इस तरह से लिख सकते लिख सकते डी बाई वाई डी एक्स के क्या, अब ए माइनस बाई ऊपर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में, और ए आएगा नीचे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 1/3, ए फाइंड हो गया डी बाई वाई। अब इसी को ना देखो हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते यहाँ पे, और इसी को यहाँ पे लिखा जाता अंडर रूट 3 और बाई
और यहाँ पे बाई में √3 और एक्स, इसको हॉल मान लिख सकते, हॉल √π बाई एक्स और a 3, ये हो गया आंसर, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 37। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.7 में, आज की क्लास इतना ही तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।